डियर स्टूडेंट्स आज हम एनिमल डाइवर्सिटी मॉड्यूल पे बात करेंगे इन वर्टिब्रेड्स के बारे में इन वर्टिब्रेड्स जानवरों का वो ग्रुप जिसमें बैकबोन मौजूद नहीं होती अब आर्किटेक्चरल प्लान जिस तरह से कोई भी बिल्डिंग बनानी हो उसके आर्किटेक्चर में ब्रिक्स का इम्पोर्टेंट किरदार होता है इसी तरह से एनिमल्स की आर्किटेक्चर प्लान में सेल्स का इम्पोर्टेंट किरदार है सेल्स जो हैं ये अपने आप को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं इसको हम कहते हैं पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आज के लेसन में हम पढ़ेंगे कि पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में किस किस तरह के हैं पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एनिमल्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं एसमेट्रिकल एनिमल्स और सिमेट्रिकल एनिमल्स एसमेट्रिकल एनिमल्स वो एनिमल्स होंगे जिनके अंदर उनका सेंट्रल पॉइंट जो है वो एबसेंट है या इनके अंदर एक्सिस अराउंड बॉडी पार्ट आर इक्वली डिस्टर्ब इज एब्सेंट इसमें जानवरों के ग्रुप प्रोटीस और स्पॉन्जिज इंक्लूड करते हैं जबकि समिट्रिकल एनिमल्स का ग्रुप वो ग्रुप होता है जिसके अंदर जानवर जो है इनके बॉडी पार्ट अपने आप को एक पॉइंट या एक्सिस के गिर्द अरेंज करते हैं सिमिट्रिकल एनिमल्स में आगे इसकी दो ब्रांचेज हैं रेडियल सिमिट्री और स्मित्री। रेडियल रेडियलिट्री वो होगी जिसके अंदर एनिमल्स का राइट लेफ्ट दोनों साइड्स मौजूद हो और बाइलेटरल सिमिट्री वो होगी जिसमें एनिमल्स को हम इसके दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर लेते हैं लाइक उसका ये राइट हिस्सा है ये उसका लेफ्ट हिस्सा जबकि रेडियल सिमिट्री में हम जानवरों को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते अब इसमें नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि फ्लैट एनिलिड्स निमाटोड्स ये एनिमल्स के वो ग्रुप्स है जिनके अंदर रेडियल रेडियलिट्री जो है वो मौजूद है इसके अलावा एनिमल्स के अगर हम आर्किटेक्चरल प्लान देखें इस बेस पे जानवरों को हम तीन ग्रुप्स में भी डिवाइड कर देते हैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो के इनकी मौजूदगी को जाहिर करता है उस बेस पे वो है इसकी बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी कुछ जानवरों में मौजूद होगी कुछ जानवरों में ये मौजूद नहीं होगी और कुछ जानवरों में इसकी ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगी तो इन वर्टिब्रेड्स जो एनिमल हैं, इनको बॉडी कैविटी की मौजूदगी की बिना पर हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं सिलोमे एसिलोमेड एसिलोमेट्स वो होंगे जिनके अंदर बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है इसमें जानवरों का ग्रुप फ्लैट वर्म्स जो है वो इंक्लूड होता है दूसरा है इसके अंदर यूसिलोमेट्स यू सिलोमेट्स के अंदर सिलोम जो है वो प्रॉपरली वेल डेवलप्ड नहीं है इसमें एनिलिड्स बोलस आर्थ्रोपोड्स, एकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स इंक्लूड है फिर जानवरों का ग्रुप है जिसको हम कहते हैं सुडोसिलोमेट्स सूडोसिलोमेट्स के अंदर बॉडी कैविटी जो है वो भी प्रॉपरली वेल डेवलप्ड नहीं है इसके अलावा जो जानवरों का ग्रुप सिलोमेट्स होगा इसके अंदर सिलोम या बॉडी कैविटी प्रॉपरली मौजूद होती है इसी बेस पे हम जानवरों को हायर एनिमल्स और लोअर एनिमल्स जो है वो करार देते है। सिलो हैं सिलोमेट्स आमतौर पर हायर एनिमल्स हैं जिसमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूडेड है नेक्स्ट जो है अगर हम सिमिट्री की बात हमने शुरू में की समिट्री को क्या हम कहेंगे अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स सच दैट एनी प्लान पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द बॉडी इंटू टू इक्वल हाफ फिर इसमें है बाई रेडियल सिमिट्री पेंटा रेडियल सिमिट्री बाई रेडियल सिमिट्री के अंदर द पेयर्ड अरेंजमेंट ऑफ सम स्ट्रक्चर्स इन रेडियली सिमिट्रिकल एनिमल्स और पेंटा रेडियल सिमिट्री इन दिस केस द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर्स इन फाइव अराउंड रेडियली सिमिट्रिकल एनिमल्स फिर बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स जो है ये एनिमल्स हायर क्लास में इंक्लूड होते हैं और इनकी क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इनके अंदर कैफेलाइजेशन है ये एनिमल्स जो हैं दे कैन इजीली मूव और प्राइमरीली ये एनिमल्स जो है दे मूव इन वन डायरेक्शन फॉक्स जो है या हायर एनिमल्स टाइगर फॉक्स ह्यूमन बींग्स ये दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलेटरल सिमेट्री अब इस शक्ल से आप देख सकते हैं कि जानवरों के जो हमने बात की एस रेडियल रेडियल्स और बायोलेट्रल्स मिट्री की एस में आप देखे स्पॉन्जेस जो है ये मौजूद है रेडियल मिट्री में सिलेंट्रेट्स हाइड्राइस की एक्सीलेंट एग्जाम्पल है और बायोलेट्रल्स मिट्री में ये माउस रैट फॉक्स जिनकी हमने बात की ये सारे के सारे बायोलेट्रल्स मिट्री में मौजूद है फिर हम ये देखते हैं कि इसी जो पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी बुनियाद पर भी हम जानवरों को यूनिसेलुलर यानी कि वो जानवर जो कि एक सेल पर मुश्तमिल है और ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन भी हम कह सकते हैं डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जिसमें टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट है और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन वो होगी जिसके अंदर थ्री जर्म्स लेयर प्रेजेंट है ट्रिप्लोब्लास्टिक्स के अंदर एसलोमेड पैटर्न है फूडोसिलोमेड पैटर्न है और सिलोमेड पैटर्न है जिसका हमने प्रीवियसली आपको बताया अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी जिसमें जानवरों में सिर्फ एक सेल मौजूद है इनको हम साइटोप्लाज्मिक भी कह देते हैं ये जो है ये जानवर इनके अंदर सिंपल मोड ऑफ लोकोमोशन होगा फूड एक्विजिशन के तरीके सिंपल होंगे डाइजेशन वाटर आयन रेगुलेशन सेंसरी परसेप्शन और रिप्रोडक्शन जो है दैट इज क्वाइट सिमिलर और इन एनिमल्स जे को ये ज्यादातर एक सेल्स का एग्रीगेट बना के रहेंगे दैट्स वाई वी कैन से दैट दीज द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज अब ये यहाँ पे आप देखें ये एग्जाम्पल है हमारे पास यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की पैरामीशियम अम्बीबा और युगलिना इनके अंदर ये आप देखें सिंपल मोड ऑफ फूड इंटेक है सिंपल टेम्पररी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस बनेगी और ये जो है यहाँ से फूड को इनगल्फ कर देंगी यह युगलीना है युगलीना मूव करता है विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड फ्लेजेलम अब डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें बॉडी पार्ट की टू लेयर्स होंगी एक्टोडर्म और एंडोडर्म एक्टोडर्म जो है वो देखे इससे जो बॉडी पार्ट्स बनेंगे वो है एपिडर्मस आउटर लेयर ऑफ द बॉडी वॉल एंडोडर्मस इससे बनेगा गैस्ट्रोडर्मस टिश्यूज दैट यूजुअली लाइन द गट कैविटी फिर ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन इस डायग्राम में आप देखें तीनों बॉडी लेयर्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से अरेंज है एंडोडर्म अंदर की तरफ मिजोगलिया एक्टोडम बाहर की तरफ एंडोडम अंदर की तरफ है और इसके दरमियान में जो जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम कहेंगे मिजोगलिया और सबसे इंटरनल जो है वो गट मौजूद है अब ये आप देखें इसके अंदर हाइड्रा सी एनिमून जेलीफिश अब आप ये गैस करें कि ये कौन सी बायोलेटरलिट्री इनमें मौजूद है या इनके अंदर रेडियल सिमिट्री मौजूद है स्टूडेंट्स आज के मॉड्यूल में हमने आपको जानवरों की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया एक्टोडर्म के बारे में बताया एंडोडर्म के बारे में बताया मिजोडर्म के बारे में बताया रेडियल सिमिट्री बायोलेटरलमेट्री के बारे में बताया अगले मॉड्यूल में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम के अंदर ये आर्ट्स अपने आपको किस तरह से मजीद अरेंज करते हैं स्टूडेंट्स आज हम एनिमल डाइवर्सिटी इन वर्टिब्रेड के कोर्स में मॉड्यूल टेक्सोनोमी के बारे में डिस्कस करेंगे क्या होती है? आमतौर पर जानवरों में बाइनोमियल नोमलेचर सिस्टम का आगाज है और इस सिस्टम के अंदर हम एनिमल्स को मुख्तलिफ लेवल्स पर क्लासीफाई करते हैं और इसी को हम कहते हैं एनिमल क्लासीफिकेशन दुनिया के अंदर बायोनोमल नोमिनचर सिस्टम में किसी भी दो जानदारों के नाम एक जैसे नहीं हैं। इसके लिए बायोनोमियल नोम की जरूरत क्यों पेश आई ताकि दुनिया में किसी भी एक जानदार का नाम दो ना हो साइंटिफिक नाम हर जानदार का एक ही है अब जो भी साइंटिफिक नाम किसी भी जानदार का होता है मिसाल के तौर पर ह्यूमन बींग इंसान जो है इसका साइंटिफिक नाम है होमोसेपियन अब इस होमो सेपियंस के अंदर पहला जो लफ्स है वो है होमो इसको हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही इनिशियट किया जाता है जबकि इसका अगला नाम सेपियंस इसको हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं जैसे कि इस नाम के अंदर एच कैपिटल लेटर से लिखा हुआ है और एस जो है वो स्मॉल लेटर से लिखा हुआ है पहला नाम इसकी जीनस का होगा और दूसरा नाम जो है वो इसकी स्पीशीज का होगा और साइंटिफिक नेम जब भी हम लिखेंगे इसको या तो हम अंडरलाइन करेंगे या फिर इसको इटैलिक करेंगे जब भी किसी जीनस का नाम लिखा हो और उसको बार बार लिखना हो तो उस सिलसिले तुस में हम क्या करेंगे जो पहला लवस होता है लाइक like होमो है इसको हम सिंगल एच लिखेंगे इसके आगे डॉट डालेंगे और इसके आगे लिख देंगे सेपियंस ये नॉर्मली तरीका है साइंटिफिक बायोनोमियल नोमलेचर को लिखने का इसी तरह से जानदारों के डिफरेंट किंगडम्स हैं, लाइफ के किंगडम्स हैं और इसको सबसे पहले रॉबर्ट वेटकर ने 1969 में डिस्क्राइब किया और इस किंगडम के अंदर इसने हमें ये बताया कि जो हर जानदारों के किंगडम है लाइफ के उनके अंदर उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न डिफरेंट होगा अब ये सिस्टम क्या है इस सिस्टम के मुताबिक जो किंगडम के मेंबर्स हैं उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट इनके नाम हैं जैसे कि किंगडम मोनेरा और इस किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया इनको हम एक दूसरे जानदारों से कैसे मुख्तलिफ कर सकते हैं दे आर नॉर्मली डिस्टिंग फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स क्योंकि ये छोटे जानदार हैं इनको हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स अब प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन इसके अलावा जो दूसरा किंगडम है उसको हम कहेंगे प्रोटिस्टा प्रोटिस्टा जो है वो बड़े जानदार होते हैं नॉर्मली और उनको हम कहते हैं यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म अब ये जो प्रोटिस्ट है इन दे नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल्स या सेल्स की कॉलोनीज अब ये किंगडम जो है इस प्रोटिस्टा के अंदर जो जानदार इंक्लूडेड है उसमें है अमीबा पैरामिशियम और इसी तरह के स्मॉलर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स अब जो इसके अलावा जो अगला किंगडम है वो है प्लांटे इसके अंदर तमाम पौधे मौजूद होंगे और ये भी यूक्रियटिक है मल्टी सेलुलर है फोटोसिंथेटिक है इनके अंदर सेल वॉल मौजूद होगी और ये नॉर्मली नॉन मोटाइल है हरकत नहीं कर सकते किंगडम फंजाए किंगडम फंजाई जो है ये भी यूक्रियोटिक है मल्टी सेलुलर है इनके अंदर सेल वॉल मौजूद है और ये भी नॉर्मली नॉन मोटाइल है इनके अंदर हर किंगडम के अंदर भी आपने ये देखा कि मुख्तलिफ मुख्तलिफ जानदार मौजूद हैं और इनके अंदर मुख्तलिफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन है अब फंजाई जो है अगर हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो फंजाई अपने ऑर्गेनिक मैटर को एक्स्ट्रा सेलुलरली डाइजेस्ट करते हैं और जो उसके प्रोडक्ट ब्रेक डाउन होंगे उसको फिर ये एब्जॉर्ब करेंगे इसके बाद जो सबसे बड़ा किंगडम आता है वो है किंगडम एनिमेलिया किंगडम एनिमेलिया में तमाम जानदार एनिमल्स इंक्लूडेड हैं, ये यूक्रियोटिक हैं, मल्टी सेलुलर है, और इनका जो मोड ऑफ फीडिंग है वो भी इन नॉर्मली ये फूड को इनजेस्ट करेंगे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स के पार्ट्स को इनके अंदर वॉल मौजूद नहीं होती और ये नॉर्मली मोटाइल ऑर्गेनिजम्स हैं इन द एमर्जिंग पिक्चर इनके जितने भी अभी तक हमने फाइव किंगडम्स डिस्क्राइब किए उसके अंदर क्या है कि ये एवोल्यूशनरी लाइन में सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं लेकिन ये फिर भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और किस तरह से हम बता सकते हैं कि कौन सा फीचर है जो इनको एक्सप्लेन करेगा वो है राइबोसोमल आरएनए राइबोसोमल आरएनए जो है उसकी स्टडी ने एक बहुत ही एक्सीलेंट आउटलाइन दी है एवोल्यूशन के पैटर्न को समझने के लिए अब राइबोसोमल आरएनए जो है इसको क्यों एवोल्यूशन uh, पैटर्न समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली करार दिया गया है क्योंकि राइबोसोमल आर के अंदर जो चेंजेस हैं दे आर वेरी स्लो और ये स्लो चेंजेस जो हैं दे नॉर्मली लीड टू एवोल्यूशन और इसी को ही हम एक मैकेजम्स का नाम देते हैं जिसको कहते हैं एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन हमें ये बताती है कि प्रोटीन्स जो कि मशीनरी है सेल की हाउ इनके अंदर किस तरह से तब्दीली आ सकती है और ये प्रोटीन्स जो हैं ये एक इम्पोर्टेंट वाइटल रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर इसी तरह से हमने एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन की बात की एवोल्यूशनरी कंजर्वेशन जो है मुख्तलिफ किस्म के राइबोसोमल्स ऑर्गेनिज्मल आर एन ए लेकर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म तो के साथ इसका फिर लिंक किया जाता है और लिंक से फिर एवोल्यूशनरी ट्री बनाया जाता है अब जितने भी ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसे होंगे जो क्लोजली रिलेटेड होंगे और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो डिस्टेंटली रिलेटेड होंगे अब जितने भी डिस्टेंटली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म होंगे इनके राइबोसोमल आर एन ए लेसिमिलर जबकि जो क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म है इनके राइबोसोमल आर एन ए क्लोजली सिमिलर होंगे तो इससे हमें इनके एनसेस्ट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेशनशिप का पता चलता है अब स्टडीज ने हमें क्या बताया कि कोई भी सिस्टम जिसके अंदर मेजर एवोल्यूशनरी चेंजेस आती हैं उनके साथ एक दूसरे के साथ लिंक है उस लिंक के लिए हम लफ्स इस्तेमाल करते हैं लीनि और हर एक लीनियज जो है उसको हम कहेंगे डोमेन अब ये आर्किया जो है प्रोक्रियोटिक माइक्रोब्स इनके अंदर नॉर्मली वो ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं जो कि एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में रहेंगे या तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रहेंगे या बहुत साल्ट पे रहेंगे या बहुत एसिडिक एनवायरमेंट पे रहेंगे और ये नॉर्मली इनके अंदर जो ऐसा एनवायरमेंट होगा वो एनारोबिक होगा अब इस ट्री से आप ये देख सकते हैं कि इस ट्री को हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ हमें जानदारों की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है और इससे हम ये देख रहे हैं कि जो किंगडम बैक्टीरिया आर्किया यू के ये किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है ये किस तरह से इनकी लिनिएज का पैटर्न है और किस तरह से ये डोमेन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हर किंगडम के अंदर आप देखें फर्दर इनकी क्लासिफिकेशन मौजूद है तो फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ जो है दिस इज द एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ एवोल्यूशनरी मैकेजम्स इन एनिमल किंगडम इस मॉड्यूल में हम एनिमल सिस्टमैटिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एनिमल सिस्टमैटिक्स क्या है एनिमल सिस्टमेटिक्स के अंदर हम एनिमल के डिफरेंट ग्रुप्स को अरेंज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इनकी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है जब तक एनिमल्स को अरेंज ना किया जाए तो इसकी क्लासिफिकेशन भी नामुकम्मल मुक, ना रह जाती है आइडली इन ग्रुप्स के अंदर क्या होता है एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज है और बाकी सारे उसके डिसेंडेंट्स हैं। यानी एक इंसेस्ट्रल स्पीशीज और बाकी सारे डिसेंडेंट्स इनको किस तरह से हम अरेंज करेंगे इसको हम कहते हैं एनिमल सिस्टमेटिक्स और इस तरह के ग्रुप्स जो हैं उनको हम कहेंगे मोनोफाइलेटिक ग्रुप और मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स में एनिमल सिस्टमेटिक्स में एक और अनदर टर्म है जिसको हम कहते हैं करेक्टर करेक्टर क्या होता है करेक्टर वो होता है जिसके अंदर कोई भी चीज जो है उसकी जेनेटिक बेसिस होती है और उसको हम मैयर कर सकते हैं जिस तरह से आप ये देख लें कि कोई भी जानवरों का एक अनाटमी का फीचर है जिसको हम कहेंगे कि लाइक डीएनए है आरएनए है इसके अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, उनकी तरतीब क्या है इसको हम कहेंगे ये उसका कैरेक्टर है दूसरा है पोलीफाइलेटिक ग्रुप्स पोलीफाइलेटिक ग्रुप इनके वो मेंबर्स हैं जिसको हम एक दूसरे के साथ सेपरेट एंसेस्टर से भी ट्रेस आउट कर सकते हैं मोनोफाइलेटिक ग्रुप में एक एंसेस्टर होगा पोलीफाइलेटिक ग्रुप्स में बहुत ज्यादा एंसेस्टर होंगे और तीसरा है पैराफाइलेटिक ग्रुप्स इस पैराफाइलेटिक ग्रुप्स के अंदर इंक्लूड कुछ इंक्लूड होंगे ग्रुप्स लेकिन इसके अंदर सारे के सारे मेंबर्स जो हैं वो एक ही लीनि के साथ कनेक्टेड नहीं होते यानी कुछ मेंबर्स लीनि के साथ कनेक्टेड हैं और कुछ मेंबर्स जो हैं वो लीनि के साथ कनेक्टेड नहीं अब एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स जो है जानवरों की क्लासिफिकेशन में सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है समटाइम्स हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक नॉलेज की असेसमेंट की बहुत ही ट्रेडिशनल अप्रोच है और इसकी बेसिक जो है वो क्या है कि ये देखा जाए कि मुख्तलिफ जानवर किस तरह से एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं और किस तरह से डिस्टेंटली ये ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं और एक दूसरे के साथ डिफरेंस होते होमोलोगीज होमोलोगीज क्या होंगी रिजम्बलेंसिस दैट रिजल्ट फ्राम कॉमन एनसेस्टर एंड दे आर हेल्पफुल इन द्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म दूसरी टर्म जो कि इससे मुख्तलिफ है वो है एनालोगिज एनालोग जो है इनके अंदर सिमिलर एवोल्यूशनरी प्रेशर है और मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स जो है वो फिर उसके साथ आहिस्ता आस्ता सेपरेट होते गए और मुख्तलिमेंट में अपने आप को अडेप्ट करते और जो दूसरे वाला एनालोग का प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दूसरी टर्म जो कि एनिमल सिस्टमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम कहते हैं नुमेरिकल टेक्सोनमी। नुमेरिकल टेक्सोनमी टेक्सोनमी की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है जिसकी स्टडी जो है 1955 से लेके 1960 में इसकी स्टडी का आगाज हुआ और इसके बाद जो है इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जो नोमेरिकल टेक्सोनोमी के फाउंडर्स थे उनका ये ख्याल था कि जो डिफरेंट टेक्सा जानवरों के अंदर मौजूद हैं दे आर टू आर्बिट्ररी और वेग हैं अगर इनको नोमेरिकल टेक्सोनोमी से हम रिलेट करें तो बहुत से ऐसे टेक्सा होंगे जिनका आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं होगा न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को जो साइंटिस्ट स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल तब से लेके आज तक एग्जिस्ट करते हैं लेकिन आजकल इन न्यूमेरिकल ने मैथमेटिक्स और कंप्यूटर को बेस बनाते हुए बहुत से सॉफ्टवेयर ऐसे भी ईजाद कर लिए हैं कि जिनको कैलकुलेशन की बजाय मैथमेटिकल मॉडल्स और कंप्यूटर एडिड टेक्निक से एनिमल के सैंपल लेकर उनकी सिमिलैरिटी को असेस कर लिया जाता है ये खास तौर पे जोलॉजी की रिसर्च में बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है इसमें होमोलोगीज और एनालोग को हम एक दूसरे से सेपरेट नहीं कर सकते फाइलोजेनेटिक सिस्टमेटिक्स इसको हम कहते हैं क्लेडिस्टिक्स क्लेडिस्टिक्स भी एनिमल क्लासिफिकेशन में एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है जिससे एनिमल की सिस्टमैटिक्स को स्टडी किया जा सकता है अब क्लेडिस्टिक्स का मकसद क्या है क्लेडिस्टिक्स हमें नॉर्मली ये बताते हैं कि एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक्स में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से सिमिलेरिटिक्स के इंडेक्स के बेस पर एक्सप्लेन किया जा सकता है नॉर्मली जो इसके अंदर हाइपोथेसिस हैं, वो हमें ये बताते हैं कि ऑर्गेनिजम्स के मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है टिक्स इसके अलावा हमें ये और भी बताता है कि जानवरों के अंदर क्लासिफिकेशन के एनालिसिस के टेस्टिंग के साइंटिफिक के टूल्स को और जो मुख्तलिफ टूल्स हैं उनको मजीद हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जानवरों के एवोल्यूशनरी लीनिएज जो है उस तक पहुंचा जा सके जो नॉर्मली हम जानवरों को असेस करने के लिए जो चीज लेते हैं उसको हम कहते हैं कैरेक्टर कैरेक्टर क्या होगा जिस तरह से कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके लेंथ हेड जो हेड है उसकी लेंथ हेड की विड्थ उसकी एबडोमन की जो है लेंथ विड्थ तो ये जो है इस तरह से कोई एक कैरेक्टर होगा और इस कैरेक्टर को फिर है, हम कह देंगे कि ये कैरेक्टर्स जो हैं दे आर नॉर्मली सिम्फली सिम्फलीसियोमोरफीज ये कैरेक्टर्स जो हैं किसी भी ग्रुप के मेंबर्स के दे आर नॉर्मली सेट टू बी सिम्फली मोर्फिजीज सिम्पली मोर्फेजीज जो है ये एक ग्रीक वर्ड है इसमें सिंफ का मतलब है टूगेदर प्लीसियो का मतलब है नियर मॉर्फ का मतलब है फॉर्म इसके डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ लिंक्ड है इसलिए इस टर्म को हम कहते हैं सिम्प्लीसियो मोर्फिस अब हमने करेक्टर्स की बात की उसको मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे के भी बताया कि ये जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं नॉर्मली ये एक सिंगल ओरिजिन से आते हैं और उस सिंगल ओरिजिन को हम कहेंगे ये उसका है कॉमन एंसेस्टर्स और ये कॉमन एंसेस्टर्स के अंदर फिर एक और कैरेक्टर्स निकलते हैं उनको हम कहते हैं डिराइव्ड कैरेक्टर्स एक होगा मेन कैरेक्टर और जो दूसरा उससे निकलेगा उसको हम कहेंगे ये उसका है डिराइव करेक्टर या सिंह एपोमोर्फिस सिम एपोम भी एक ग्रीक वर्ड है सिन का मतलब है टूगेदर एपो का मतलब है अवे और मॉर्फी का मतलब है फॉर्म अब टेक्सोनोमी में एक और इम्पोर्टेंट टर्म है जिसके बारे में अभी हम आपको बताएंगे वो है टेक्सा टेक्सा का क्या मतलब है टेक्सा जो है ये नॉर्मली दिस शेयर्स सर्टन सिन एपोमोर्फिक फॉर्म और उसके अंदर फिर एक और सबसेट होता है जिसको हम कहते हैं क्लेड क्लेड का मतलब है कि ये टेक्सा की अगली ब्रांच अब इस फाइलोजेनेटिक ट्री जिसपे हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया इसके अंदर आप ये देखें कि डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, डिफरेंट जो है वो क्लैड है डिफरेंट इसके अंदर उनकी अरेन्जमेंट्स है ब्रांचेस हैं सब ब्रांचेज हैं कैरेक्टर्स हैं और इस सारे ट्री को हम कहेंगे फाइलोजेनेटिक ट्री फाइलोजेनेटिक ट्री मीन्स एक एंसेस्टर है और उसकी आगे फिर डिफरेंट ब्रांचेस हैं और इस से को हम डेंड्रोग्राम भी कह देते हैं डेंड्रोग्राम भी किस पे बेस करता है मुख्तलिफ कैरेक्टर्स पे बेस करते तो फाइलोजेनेटिक ट्री जो है किसी भी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को या एंसेस्ट्रल एवोल्यूशन को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट ट्री है एंड दिस इज ऑल्सो सेड टू बी अ फाइलोजेनेटिक ट्री ऑफ लाइफ इस मॉड्यूल में हम आपको फाइलोजेनी के बारे में बताएंगे कि फाइलोजेनी इन वर्टिब्रेट्स के अंदर किस तरह से एग्जिस्ट करती है अभी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की फाइलम के बारे में क्लासेस के बारे में क्लासिफिकेशन के बारे में अभी हम फाइलोजनी के सिलसिले में आपको ये बताएं कि फायलोजिनी क्या है फायलोजनी वही एंसेस्ट्रल स्टडी अब फाइलम को ले लें क्लासेस को ले लें किसी भी एंसेस्ट्रल स्टडी को लेने के लिए ना हम फाइलम को ले सकते हैं एनिमल किंगडम में ना हम क्लासेस को ले सकते हैं हम किस चीज को ले सकते हैं फ़ाइलोजनी की स्टडी में वो है स्पीशीज स्पीशीज आपको पता है क्लासिफिकेशन के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट है क्लासिफिकेशन का तो स्पीशी के लेवल पर हम जो है फायलोजनी को स्टडी करते हैं अब जो स्पीशीज का ग्रुप होता है उसको हम क्या कहते हैं स्पीशीज के ग्रुप को हम कहते हैं पॉपुलेशन तो फाइलोजनी भी हम स्टडी करेंगे पॉपुलेशन के लेवल पे यानी हम स्मॉलर टेक्सोनिक यूनिट स्पीशीज के लेवल तक स्टडी करेंगे जो हायर टेक्सोनिक यूनिट्स हैं फाइलम किंगडम उस लेवल तक हम फाइलोजनी को स्टडी नहीं कर सकते इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो फाइलम है क्लासेस है नॉर्मली इवन दो ये हमें बताते हैं कि एंसेस्ट्रल स्टडी क्या हुई किसी ऑर्गेनिज्म के फाइलम की एंसेस्ट्रल स्टडी क्या है उसके अंदर हम इनको काउंट तो कर सकते हैं फाइलम को भी काउंट कर सकते हैं क्लासेस को भी काउंट कर सकते हैं और इसके अंदर एक लॉन्ग एवोल्यूशनल हिस्ट्री जो है वो भी हमें बता सकती है कि टेक्स, टेक्सोनोमी में फाइलम जीनस इस बेस तक कैसे स्टडी हुई यानी जेनरा का भी आपस में कंपैरिजन हो सकता है किंगडम का भी आपस में कंपैरिजन हो सकता है और जितने भी किसी भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स के मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अब देखें हर फाइला है प्रोटोजोआ है आर्थ्रोपोडा है काइनोडर्मेटा है हर फाइलम के अंदर एनिमल्स के कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो बहुत पहले थे उनको हम कहते हैं एंसेस्ट्रल एनिमल्स और कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो हमें आजकल मिलते हैं इनको हम क्या कहते हैं इनको हम कहते हैं मॉडर्न रेप्रेजेंटेटिव हर फाइलम के कुछ मॉडर्न रेप्रेजेंटेटिव भी मौजूद है अभी अगर आप देखें आपको फाइलोजेनेटिक ट्री याद हो तो उसमें आपने देखा होगा कि बेस पे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एंसेस्ट्रल है और टिप के ऊपर उस ट्री के जिस तरह से एक ट्री है उसकी ब्रांचेज हैं कुछ नीचे हैं कुछ ऊपर है अब जो ऊपर ब्रांचेज है टिप्स के ऊपर वो एनिमल्स मॉडर्न है और जो उसकी बेस में है वो वो एनिमल्स हैं जो के एंसेस्ट्रल है ठीक है इसी तरह से ट्री ब्रांच के अंदर भी हम एक किसी भी किंगडम का या फाइलम का ट्री ब्रांच देखें तो उस ट्री ब्रांच से हमें अंदाजा हो जाता है कौन से एनिमल एंसेस्ट्रल है और कौन से एनिमल्स मॉडर्न है अब वो लोग जो जोलॉजी को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं जोलॉजिस्ट जोलोजिस्ट क्या करते हैं नॉर्मली वो एंसेस्ट्रल एनिमल्स को भी स्टडी करते हैं और उसके मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स को भी स्टडी करते हैं और जो इनके फिर हम करेक्टराइजेशन करते हैं हर फाइला की वो मॉडर्न ग्रुप्स uh, पे भी बेस करते हैं और एंसेस्ट्रल पे भी बेस करते हैं लेकिन कभी भी हम उसमें जब डिटेल से स्टडी करते हैं आगे जैसे कि जैसे जैसे हम इसी कोर्स आउटलाइन में आगे आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि इंसेस्ट्रल को सिर्फ हम प्रिलिमिनरी स्टडी के लिए ही यूज करेंगे लेकिन जब हम हर फाइला को इन डिटेल या इन डेप्थ में पढ़ेंगे तो फिर हम मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स पर ज्यादा फोकस करते हैं और उसी मॉडर्न रिप्रेजेंटेटिव्स के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर देखेंगे उसके मुख्तिफ ऑर्गेन्स के फंक्शन देखेंगे और उसकी इकोलॉजी को हम स्टडी करेंगे इसके अलावा और हमें प्रॉब्लम जोलॉजी की स्टडी में क्या आती है कि एवोल्यूशनरी ट्री की जो है रिप्रेजेंटेशन है एवोल्यूशनरी ट्री की रिप्रेजेंटेशन या इंटरप्रिटेशन हर ईरा के जोआलॉजिस्ट ने मुख्तलिफ की देखें डारबन की अपनी थेरीज थी लेमार्क की अपनी थेरीज थी जो मॉडर्न टेक्सोनोमिस्ट हैं उनकी अपनी थेरीज थी तो हर ईरा में जो जोआलॉजिस्ट थे उन्होंने किसी भी एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए अपने अपने आइडियाज दिए अपने अपने मैकेनिजम्स जो थे वो एक्सप्लेन किए तो कोई भी हतमी नतीजा जो है वो किसी भी थेरीज को पढ़कर हम कंक्लूड नहीं कर सकते लेकिन ये एक नॉलेज के अंदर कोई भी स्टडी किसी भी साइंटिस्ट की हो वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है इसके अलावा इन थेरीज की कुछ भी मिसलीडिंग कंसेप्ट नहीं है क्योंकि एवोल्यूशन ने आहिस्ता आहिस्ता जो कॉम्पलेक्सिटी थी जानदारों के अंदर उसको रिड्यूस किया पहले ऑर्गेनिजम्स ज्यादा कॉम्प्लेक्स थे उनकी एनाटमी फिजियोलॉजी स्ट्रक्चरली वो डिफरेंट थे आजकल के जानदारों से लेकिन एवोल्यूशन के साथ साथ एनिमल्स की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हुई और इनके कुछ ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चर जो थे फेल्ड टू विद द मॉडर्न सिचुएशन। इसके अलावा अगर हम देखें, तो बहुत सारे केसेस में एवोल्यूशन हमें फिनोटाइप के बारे में नहीं बताती कि किस तरह से किन कंडीशन में जानदारों में चेंजेस आए और इन चेंजेस के नतीजे में कुछ जानदार जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो गए इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है डायनोसॉर्स डायनोसॉर्स आप देखें एक ईरा था डायनोसॉर्स की हमें हर जगह पे भरमार नजर आती थी अगर हम हिस्ट्री देखें लेकिन आता आहिस्ता कंडीशन ऐसी हुई कि डायनोसॉर्स खत्म हो गए और उसको हम कहते हैं एनिमल एक्सटिंक्शन इसके अलावा कुछ कॉमन रिप्रेजेंटेशन है हर एनिमल के इनवर्टिब्रेट्स के जिनके अंदर मुख्तलिफ ब्रांचेस कभी आप एक साइड पे देखें ज्यादा ब्रांच झुकी हुई नजर आती है ज्यादा जानदार थे फिर पैसेज ऑफ टाइम के साथ उस फाइलम के अंदर जानवर कम रह गए इसका हमें ये इन सब बातों से हम क्या कह सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इस कंटिन्यूस प्रोसेस से जो एनिमल की डाइवर्सिफिकेशन है वो हमेशा इंक्रीज करती है और जो पुराना रिकॉर्ड एनिमल्स का हमें एवोल्यूशन में हेल्प करता है फॉसल्स के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जो एंशंट रिमेन्स हैं एनिमल्स के उनको हम फॉसल्स कहते हैं तो एवोल्यूशन की स्टडी में फॉसल रिकॉर्ड जो है इस आल्सो प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल कुछ जो है एकाइनोडर्म्स जिसमें सी स्टार या उसके रेलेटिव जो देखे फॉसल रिकॉर्ड से तो हमें ये पता चलता है कि प्रीवियसली कार्डोडर्म्स के बहुत ज्यादा जानदार थे लेकिन आजकल के दौर में सिर्फ इसके चंद एक ग्रुप ही रह गए हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। इसको हम सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे एवोल्यूशनरी लीनिएज और एवोल्यूशनरी लीनिएज जो है बहुत सारे और प्रोसेस की तरह ये भी हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ही जाता है और इनिशियल डाइवर्सिफिकेशन के बाद बहुत सारा ऐसा प्रोसेस आता है जिसको हम कहते हैं एक्सटिंक्शन तो एवोल्यूशन डायवर्सिफिकेशन एक्सटिंक्शन ये तीनों प्रोसेसिस जो हैं एवोल्यूशनरी में इम्पोर्टेंट किरदार अदा करते हैं इसके अलावा कुछ ऐसे साइंटिस्ट जो कि फॉसल्स को स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं पेलियंटोलोजिस्ट और ये जो ब्रांच है जो फॉसल्स की स्टडी में इन्वॉल्व है जोलोजी की उसको हम कहते हैं पेलियंटोलोजी अब एक बहुत बड़ा पेलियंटोलोजिस्ट था जिसका नाम है स्टेफन अब स्टेफन जो है इसने बहुत सारी एवोल्यूशनरी को स्टडी किया फॉसल्स को स्टडी करने के बाद इसने ये देखा कि क्या बेसिस थी कि मुख्तलिफ इकाइनोडर्मस जो थे वो आता ऐसा एक्सटिंकट कर गए मे भी शुरू में बहुत ज्यादा पानी था जो कि इनको जिंदा रहने के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करता आहिस्ता आहिस्ता आपको भी पता है कि एक्वाटिक लाइफ कम होती गई और टेरिस्ट्रियल लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई तो क्वेटिक फाना कम हो गया और टेरिस्ट्रियल फाना जो है वो इंक्रीज कर गया ये देखें आप फाइलोजनी इसमें आप देखें कि किस तरह से ब्रांचेज है लीनियज है मोनोफाइलेटिक ग्रुप्स है इसके अंदर आप देखें मुख्तलिफ एनिमल्स के ग्रुप्स जो है एम्फीबियंस के बारे में भी आपको पता है ममेरिया के बारे में भी आपको पता है कॉन्ड्रोक्स एक्टिनोटेगा और लेपिडोसोरिया ये वो एनिमल्स हैं जो कि आजकल एग्जिस्ट करते हैं और हम अगले कोर्स आउटलाइंस में इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इस मॉड्यूल में हम पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें भी जो ग्रुप हमने चूज किया है वो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि सिर्फ वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स के बारे में है। अब इसमें अभी हमने एवोल्यूशनरी में देखा एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ा प्रोटीस के बारे में पढ़ा एवोल्यूशनरी चेंजेस के बारे में पढ़ा अब हमने ये देखा है कि एवोल्यूशनरी चेंजेस हमेशा से प्रोग्रेसिव नहीं होती प्रोग्रेसिव का यह मतलब है कि अगर थ्रू आउट एवोल्यूशन ही होती जाती या प्रोग्रेसिव चेंजेस ही आती जाती तो ये पूरी दुनिया मुख्तलिफ किस्म के जानदारों से भर जाती लेकिन ऐसा नहीं है तो एवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव नहीं बल्कि नॉन प्रोग्रेसिव चेंजेस की तरफ भी जाती है और इसके नतीजे में कुछ जानवरों के ग्रुप एग्जिस्ट कर जाते हैं और कुछ जानवरों के ग्रुप जो है वो डोमिनेट हो जाते हैं तो एवोल्यूशन हमें किसी भी बैक ट्रेकिंग के बारे में इन हिस्ट्री के बारे में कोई भी प्रोसेस एक्सप्लेन नहीं करती है जानवरों का बैक ट्रॉक बैक ट्रैक क्या है सिर्फ हमें फॉसल एविडेंस से ही अंदाजा हो सकता है क्या है इसके अलावा या मॉडर्न टेक्निक्स में अगर हम देखें तो डीएनए टेस्टिंग ये वो टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनसे हमें एवोल्यूशन के फर्दर प्रोसेस को एनहांस कर सकते हैं लेकिन क्या नतीजा हुआ किस तरह से हुआ बहुत सारी एवोल्यूशन में अभी भी मिस्ट्रीज ऐसी हैं जो कि अनसोल्व है लेकिन फिर भी कुछ साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स पे उनकी थेरीज की बेस पे हम इस नॉलेज को आगे लेके चलते हैं सिमिट्री जानदारों के अंदर एक अहम चीज जो है वो है सिमिट्री सिमिट्री आप देखें कैसा है जानदार? किसी चीज को जब हम एक्सप्लेन करते हैं चाहे वो जानदार ना भी हो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका खदो हाल कैसा है उसको हम जोलोजी की टर्म में कहते हैं सिमिट्री सिमिट्री का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स ने अपने आप को किस तरह से अरेंज किया हुआ और इस डाइवर्सिटी के अंदर जो सिमिट्री है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये जो कॉन्सेप्ट है का इसको एनिमल ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है अब आगे हम देखते हैं कि ये किस तरह से अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है स्मिट्री हमें यह बताएगी कि एक जानवर के मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स ने अपने आप को एक पॉइंट या एक एक्सिस के गर्द कैसे अरेंज किया है अब जानवर दो तरह के होंगे कल एनिमल्स और एसमिट्रिकल एनिमल्स और ये दो टर्म्स होंगी और एसमिट्री अब स्मिट्री में जैसा कि पहले बताया गया कि जानवरों के मुख्तलिफ हिस्से एक सेंटर पॉइंट के अगेंस्ट अपने आप को अरेंज करेंगे लेकिन एसमिट्री में कोई भी सेंटर पॉइंट या एक्सिस मौजूद नहीं होता जिसके गिर्द जानवर अपने मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स को अरेंज कर सके इसकी एग्जाम्पल क्या है मोस्टली इनवर्टिब्रेड में फाइलम पोरिफ्रा मुख्तलिफ किस्म के स्पॉन्जेस जो कि समंदर में मौजूद हैं फ्रेश वाटर में मौजूद हैं ये सारे के स्पॉन्जेस जो है इनको हम कहते हैं एस मिट्रिकल अब एस जो है ये हमेशा जो है इनके अंदर जब एडोप्टेशन होगी तो इनको दूसरे सिमेट्रिकल एनिमल्स से एडवांटेज होगा क्यों एडवांटेज होगा क्योंकि ये सिंपल है फॉर्म में ये हर जगह रह जाते जो सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं वो ऐसा ऐसा कॉम्प्लेक्स होते हैं और उनको रहने के लिए अपने खास मखसूस हालात ही उनको जिंदा रख सकते हैं एसमिट्रिकल ऑर्गेनिजम्स जो हैं इनके अंदर कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशंस नहीं आती इनके अंदर कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गेन्स नहीं होते इनके अंदर कॉम्प्लेक्स लोकोमोशन के ऑर्गेन्स या कॉम्प्लेक्स फंक्शन स्पीड डेवलप नहीं होते इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि जो प्रोटीस है या दूसरे एनिमल्स हैं इनकी बॉडीज जो हैं अरेंज नहीं है बल्कि सिंपल एग्रीगेट ऑफ सेल्स है जिस तरह से सेल्स के मुखलिफ सेल है वो उन्होंने अपने आप को एग्रीगेट किया हुआ है ये सिंपल एग्रीगेट्स ऑफ सेल्स हैं

मिरर में वही इमेज नजर आती है जो कि हम उसको देते हैं तो रेडियल सिमेट्री मुकल में भी उसके ऑर्गेन्स जो बॉडी के एक तरफ है सेम जो है वो बॉडी के दूसरी तरफ होंगे अब जो रेडियल सिमेट्री है ये मॉडिफाइड है कि इसके अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जो हैं वो अपने आप को पेयर की शकल में अरेंज करेंगे पेयर हाफ पेयर इधर हाफ पेयर मिरर के इस साइड हाफ पेयर जो है मिरर की शक्ल में है हाफ पेयर जो है वो इमेज की शक्ल में या हम यूं भी कह सकते हैं कि मुख्तलिफ कम्बिनेशन है जो कि सेंट्रल ओरल एब औरल एक्सिस के अगेंस्ट अपने आप को अरेंज करते फिर है जो पेयड अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर की रेडियल सिमिट्री की इसको हम बाय रेडियल सिमिट्री भी कह देते हैं जो अरेंजमेंट है स्ट्रक्चर्स की इसी तरह से अगर एक एनिमल का एक्सिस है और उसके पांच ऑर्गन्स ने अपने आप को उस एक्सिस के गिर्द अरेंज किया गया है तो उसको हम कहते हैं पेंटा रेडियल सिमिट्री यानी अगर फाइव ऑर्गन्स है उन्होंने अपने आप को एक्सिस में अरेंज किया गया है तो उसको हम क्या कहेंगे पेंटा रेडियल सिमिट्री अगला है बायलैटरल सिमिट्री बायलैटरल सिमिट्री क्या है कि इसके अंदर जानवरों के हिस्से बॉडी पार्ट्स अपने आप को सिंगल प्लान में अरेंज करते हैं यानी अपर एंड लोअर सरफेसिस एक लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में अपर और लोअर एंड पर एनिमल्स अपने आप को अरेंज करेंगे या हम यूं भी कह सकते हैं कि इसमें एनिमल्स को हम राइट right और लेफ्ट हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और बायोलैट्रल सिमिट्री जो है इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये एनिमल्स एक्टिव हैं इनकी मूवमेंट है या ये क्रॉल करेंगे या स्विम करेंगे अब यहां से आप देखें कि बायलैटरल सिमिट्रिकल में जो हमारे पास यहाँ स्क्विरल एनिमल एक एग्जाम्पल है इसमें बॉडी को देखें हमने मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया है डोर्सल वेंट्रल पोस्टीरियर एंटीरियर सेजिटल प्लेन फ्रंटल प्लेन ट्रांसवर्स प्लेन यानी बायलैटरल सिमिट्री में एनिमल्स जो है दे आर ऑलवेज एडवांस्ड वेल कोनेक्टेड वेल ऑर्गेनाइज इनके बॉडी पार्ट वेल डिवेलप्ड है लोकोमोशन इनके अंदर वेल well डेवेलप्ड है तो दिस इज द्रीफ आइडिया अबाउट द रेडियल एंड बायोलैट्रल सिमिट्रिकल एनिमल्स